आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है मैन एंड हिज एनवायरमेंट, इंसान और उसका माहौल, या है तो ऐसे व्याप लिखित लफ्ज एनवायरमेंट पोल्यूशन। शॉर्ट में एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या है? हमारे माहौल की आलूगी जो है इस वक्त मतलब तेजी से फैल रही है, चाहे हम शहरों की बात करें चाहे हम गांवों की देहात की बात करें। शहरों में इस वक्त हमारे पास माहौल कैसे आलूदा होता है, ट्रांसपोर्ट जितना भी ट्रांसपोर्ट हमारा है, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज हैं, उनके जरिए जो भी धुआं निकलता है वो हवा में जब मिक्स होता है तो वो हवा हमारे इस्तेमाल के लिए मतलब एक मुजिर हवा बन जाती है, सच में नाकाबिले इस्तेमाल हवा, तो हो गया पोल्यूशन, है ना, वो पोल्यूशन। तो गाँव की अगर हम बात करें, गाँव में भी अब यही सिस्टम होता जा रहा है, क्योंकि हम ही लोग वो हैं जो जंगलों की बेदरी कटाई में लगे हुए हैं चनाकर में से, जबकि हमें हर साल हमारा एक हदफ होना, जैसे हमने पिछले दिनों यहाँ पे स्कूल के प्रीमिसेस में प्लांटेशन ड्राइव किया था, तो इसको हम कहते हैं ग्रीन गोल्ड, जो जंगल का जो ये जंगल हमारा होता है, या अच्छे में ग्रीन गोल्ड सब सोना होता है, हमें इसकी देखरेख करनी चाहिए। एक एजुकेटेड पर्सन का ये एक ड्यूटी है, रिलीजियस ड्यूटी भी है, मजहबी ड्यूटी भी है, सामाजिक ड्यूटी भी है, और कानूनी ड्यूटी भी है, कि हम इस क्या कहते हैं, इस हमारे इस पौध को हम बचाएं, हम इसकी सुरक्षा करें। तो देखो मेरे पास मैंने जो आपको लिखाया, ये टॉपिक हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन माहौलियाती आलूगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि माहौल जो होता है, माहौल दो किस्म का होता है, आप माहौल को नेचुरल माहौल, नेचुरल इन्वायरमेंट, या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, जो मैन मेड इन्वायरमेंट हमारे पास होता है। क्लास में हम एक मिसाल देंगे आपको, हमारे पास कुदरत का माहौल जो है वो माहौल होता है जो कुदरत की तरफ से क्रिएट किया गया हो, जो कुदरत की तरफ से बनाया गया हो, उसके बरकस आर्टिफिशियल माहौल क्या होता है, वो माहौल होता है जो हमने इंसान ने खुद बनाया हो। जैसे हम स्कूल में एक एग्जाम्पल लेंगे, शाबाश, वेरी गुड, आप मुझे बताएंगे बच्चों कि हमारे स्कूल में आर्टिफिशियल माहौल जो हमारा है, आर्टिफिशियल एनवायरमेंट जो है, बनावटी माहौल है हमारे पास क्लास में, आपको ये मिसाल दीजिए, जिस इंसान पर माहौल बनाओ सुकुस माहौल भरियो, तो कैं दोन चौरन चीजों हम नाव इन क्लास में तो वोचन छो, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, टेबल भी आया। उसके बाद हमारे पास देखो ये स्कूल बिल्डिंग है, इंसान ने बनाई है ना, ये भी एक माहौल है। मैं वो ना तो मिसाल, अगर हमारे पास यहाँ पे डलरमन में इस वक्त वहां पे रकबा है, फॉरेस्ट लैंड है, सपोज 5 साल के बाद वहां पे गवर्नमेंट एक क्वार्टर एक कॉलोनी बनाती है, 5 साल के बाद जब हम जाएंगे ऐसी बनो की है एच माहौल ही बदल, दैट मीन्स कि वहां पे एक माहौल क्रिएट किया गया है, डेवलपमेंटल वहां पे एक माहौल बनाया गया है। तो यही हमारे पास है, इन्वायरमेंट मीन्स दोज नेचुरल थिंग्स दैट सराउंडेड अस एंड सस्टेन्स आवर लाइफ, सच एज द अर्थ, एटमोस्फियर, हेल्थी एयर एंड ड्रिंकेबल वाटर। दपंचो इन्वायरमेंट मीन्स माहौल के मायने हासा गो दोज नेचुरल थिंग्स, तुम तमाम सारे कुदरती चीज दैट सर्वाइव दैट सराउंडेड अस, यम सैन इर्द गिर्द छ, हमारे इर्द गिर्द जो भी कुदरती चीजें हैं उनको इन्वायरमेंट कहते हैं। सस्टेन्स आवर लाइफ, जो हमारी जिंदगी में, जो हमारी जिंदगी को बरकरार रखने में एक अहम फरीजा निभाती है, एक अहम रोल अदा करती है, उसको हम माहौल कहते हैं। सपोज जहां हम रहते हैं, हम इस इलाके में जहां रहते हैं, हमारे घर के इर्द गिर्द क्या क्या चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हमें हवा देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, हमारे वहां पे स्प्रिंग्स हैं, वाटर्स हैं, जो ना इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी का होना बड़ा जरूरी है, वो भी एक माहौल है। तो कहते हैं कि सच एज द अर्थ एटमोस्फियर हेल्थी एयर एंड ड्रिंकेबल वाटर, सच है मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको पहले ही कहा, मसलन अर्थ जमीन, सबसे पहले जमीन का होना लाजमी, अगर जमीन नहीं होगी तो इंसान कहां बसेगा। अर्थ इज ऑनली द प्लेनेट, अर्थ जो है सिर्फ एक सियारा है, सियारे है ना नाम, तो जिसमें इंसानी जिंदगी का वजूद है, जहां पर इंसान रिहाइश रखता है, जहां पर इंसान बसता है, सच एज द अर्थ एटमोस्फियर हेल्थी एयर, हाँ ये तो हो गया। It also means those things which make our life sustainable. इसका मायने ये है, it also means इसका मायने ये है, मतलब छे those things, तिम तमाम चीज़ which makes जो बनाती हैं, इन बनावन छा
आवर लाइफ साइंस जिंदगी को हमारी जिंदगी को सस्टेनेबल सस्टेनेबल बरकरार रखने वाले जो हमारी जिंदगी हमें बरकरार है एक्सिस्टेंस हमारा जो वजूद है सच एज वाइल्ड लाइफ वाइल्ड प्लेसेस आर ह्यूमन लिविंग स्पेसेस वाइल्ड लाइफ हमारे जो जंगली जानवर वहां पे है हमारे जंगली जानवर आसन वाइल्ड प्लेसेस वाला जंगली जाय आसन जैसे हमारे यहाँ पे हमारे जो जमींदार लोग होते हैं जो शेफर्ड लोग होते हैं ग्वाले जो होते हैं काउबॉयज होते हैं वो अपने भेड़ बकरियों को कहां चराने लेते हैं जंगलों में है ना तो वाइल्ड प्लेसेस में लेते हैं आर ह्यूमन लिविंग्स या हमारे जो यहाँ पे ह्यूमन लिविंग्स है जितनी भी इंसानी जो जिंदगी का वजूद है ह्यूमनिटी का वजूद है वो किस पे है इसी खला में इसी जमीन में है तो उसके बाद हमारे पास है मैंने कहा आपको पहले कि एनवायरमेंट आ रहा टू टाइप्स एनवायरमेंट जो है वो दो किस्म का होता है एक होता है कुदरती माहौल दूसरा होता है बनावटी माहौल एनवायरमेंट आ रहा टू टाइप्स वन इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरमेंट पहला क्या कहलाता है कुदरती माहौल क्रिएटेड बाई नेचर सो माहौल हम बांध बनाओ यहां मतलब इसमें पहाड़ जंगल दरिया इंसानी जिंदगी पेड़ पौधे हैं ये सारा कुदरती उस माहौल में आता है माउंटेन्स हाँ तो उसके बाद सेकंड हमारे पास कौन सा होता है सेकंड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल माहौल आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय मैन जो इंसान के जरिए बनाया गया है उसको हम आर्टिफिशियल एनवायरमेंट कहते हैं ऑन द प्लेनेट अर्थ हमारी इस रॉय जमीन पे ठीक चल तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कल मैं आपको पूरा समझाऊंगा तो मन मतलब की तरीके से समझ पूर्ण की कुछ करें पूरा ऐसे बोले गए पता आप ये चीज जरूरी चीज क्योंकि ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको आपको हमने परसों यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव कराया तो ये उन्होंने इस ग्रंथ की इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है इसकी क्या अहमियत है तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि समय कथा जरूरी माहौल माहौल बनाने खातर सोन क्या रोल बचते शागिर्द बचते स्कूल स्टूडेंट सोन क्या रवैया कैसे असुन की सोन माहौल करके बरकरार जैसे कि आपको पता है आज हमारे यहाँ पे जमींदारी का मौसम है लोग जो हमारे यहाँ पे हैं जिम्मेदारी करते हैं आज भी हमारा माहौल जो है हम ही लोग वो हैं जो माहौल को खराब करने में शाना बशाना पेश हैं आज से जिम्मेदारी हिसाब से क्या करूं शाना लम्ब जुड़ाऊ चिन्ह जुड़ाऊ फिर हम उसको क्या करते हैं प्रचार जलाते हैं चिन्ह नार दिवन फिर क्या उठता है वहां से जो धुआं उठता है सुबह चुकासन फिर हवा आसमान हवा में होता है तो हवा में जब वो मिक्स होता है हवाचन वर्ण एसपत ही दिन उससे हमारा जो है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है अगर सपोज ऐसा गैर एस पेशेंट ब्लड प्रेशर ऐसे उसके लिए वो मुजिर है अगर किसी की मतलब आंखों का कोई सर्जरी हुई होगी उसके लिए वो मुजिर है तो कुल मिला के हम ही वो लोग हैं जो माहौल को खराब करने के दर पे है तुले हुए हैं आपका दुखी काफे की जंगल की हम बात करेंगे हम जंगल में क्या करते हैं ऐसी जानवर का समय बेहतरीन काटिंग कर जंगलात को हम काटते हैं हम नुकसान करते हैं उससे क्या होता है जहां पे जितना ज्यादा जंगलात वहां पे उतनी ज्यादा बारिश भी होती है जंगलात के होने से ही हमारी जिंदगी का होना मतलब दुरुस्त है बरकरार हम जिंदगी हो सकती है तभी जब जंगलात का अच्छा रोल हम उनके साथ अच्छा रोल निभाएंगे जैसे कि ये कुलचना आसन फ्रेश छाया हमारे को ये फ्रेश ताजा हवा देते हैं यहाँ पे एक किस्म की आबोहवा है आप थोड़ा जाइए ऊपर डालन जहाँ पे आपको चील की जब हवा मिलेगी आपको टाइप पे तो कितनी भी गर्मी होगी वहां पे आपको एक सुकून जैसा आएगा तो ये है कुल मिला के कि इंसान ही एक ऐसा शख्स है जो माहौल को खराब भी कर सकता है जो माहौल को बिगाड़ भी सकता है अगर हम आज की डेट में देखेंगे शाम को आप देखना कभी इधर कभी उधर हर तरफ चारों ओर वहां पे आग लगाई गई है क्यों कोई इसका कोई इल्म नहीं है हालांकि ये बिल्कुल सरासर गलत है इससे क्या होता है आहार के मौसम में चरंदे परिंदों के बच्चे होते हैं वो बेचारे जलते हैं वो तो गुनाह को तो पाप चाहिए तो इसीलिए ये कहा गया है ये कुरान में भी कहा गया है कि माहौल को बचाना इंसान का एक मजहबी फरीजा भी है ना तो ये माहौल था वो बिल्कुल मेंटेन करे ये चीज लगे इसीलिए हम हर साल यहाँ पे सदरकारी करते हैं अपने घर में भी पौधे लगाने चाहिए पौधों से हमें बहुत किस्म के फायदे मिलते हैं आप फायदे को सुन ये कि हमारे पास जो है फ्रेश हवा होती है दूसरा फायदा ये कि अगर कोई फ्रूटफुल पौधा है उससे हम इकोनॉमिकली साउंड होते हैं ठीक ठाक अगर सपोज वो भी नहीं होता है
तो ये फायदा भी होता है कि ताजी हवा जब मिलती है अगर कहाँ वाइट पाप कुंती शिक्षा और हवा पे हम गर्मी में सुखाए कम से कम दरिकार के है कर्मचारी इंसान खेती लोगों तो यही हमारा आज का टॉपिक है आप इसको पूरी तरह से याद करके